मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में अवैध कट्टा फैक्ट्री संचालित होने की सूचना मिली। इस पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए बड़ी संख्या में अवैध तमंचे और कारतूस सहित हथियार बनाने वाले उपकरण बरामद किए। छतरपुर में मातगुआ थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध कट्टा फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया, जिसमें फैक्ट्री संचालक सुखलाल विश्वकर्मा सहित एक खरीदार को भी गिरफ्तार किया है। फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में कट्टे कारतूस और कट्टा बनाने के औजार जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री संचालक पूर्व में भी अवैध हथियारों के खरीद बिक्री में लिप्त था। छतरपुर पुलिस जो है लगातार अवैध हथियार, अवैध गतिविधियां, अवैध हथियार फैक्ट्री संचालन पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसी में हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई कि थाना मातगुआ में नीम टोरिया बुडौर करके गाँव है, जहाँ कुछ व्यक्ति अवैध फैक्ट्री संचालन का काम कर रहे हैं। इसके वेरीफाई करने के लिए हमने SDOP बिजावर शशांक और साथ में थाना प्रभारी माधुआ जो है प्रदीप, इनको निर्देशित किया सर ने। और प्रॉपर जब हमें वेरीफाई हो गया, उसके बाद वहां पे दबिश दी गई। दबिश में स्पॉट में हमने पकड़ा सुखलाल विश्वकर्मा, जोशी गांव का था, जो अवैध देसी कट्टा बनाने का काम करता था। उससे और पूछताछ की गई तो पूछताछ में एक और नाम आया, त्रिलोक सिंह चौहान, जिसके माध्यम से ये बेचता था, उसको भी हमने राउंड अप किया है और मौके से बहुत सारी चीजें मिली हैं। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।